नमस्कार, मैं सुबह और आप देख रहे हैं N4 न्यूज भारत। मेरे पीछे छात्र और छात्राएं आपको नजर आ रही होंगी और इनके चेहरे की खुशी बता रही है कि कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। आपको बता दें, ये छात्र और छात्राएं जो है खो खो के प्लेयर्स और काफ़ी बेहतरीन प्लेयर्स हैं। पहले इन्होंने यहाँ पर झारखंड खेलों के अंतर्गत इन्होंने खेला और अब ये लोग जा रहे हैं स्टेट लेवल पे खेलने के लिए। मेरे साथ जो छात्राएं हैं उनसे आपकी बातचीत होगी, लेकिन पहले हमारे साथ इनके प्रिंसिपल हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। कौन से विद्यालय से? अपग्रेडेड हाई स्कूल केवाल बरही। अच्छा, तो ये खेल में आप लोग जो ये आगे बढ़ा रहे छात्रों को, यहाँ पे बच्चियाँ भी हैं, बच्चे भी हैं, इसके लिए आपको लगता है कि किसी तरह का कोई बहुत अच्छा बेनिफिशियल या फिर फायदेमंद साबित होता है खेल? खेल तो विद्यार्थी जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, पढ़ाई के साथ साथ खेल भी। इससे शारीरिक और मानसिक दोनों विकास होता है और राज्य सरकार की ओर से जो खेलो झारखंड के तहत खेल का जो आयोजन किया जा रहा है, ये खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं उनकी प्रतिभा जो है वो सामने निखर के आ रही है। हमारे बच्चे जो आगे भी बढ़ रहे हैं, प्रखंड से लेकर जिला स्तर, जिला से राज्य और राज्य से राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी प्रतिभा को जो है वो दिखा रहे हैं और बहुत कुछ कर भी रहे हैं। तो इससे बच्चों में प्रोत्साहन भी मिलता है आगे बढ़ने का। खेल से बच्चों का जो शारीरिक विकास है वो तो होता ही है, साथ ही साथ तरह तरह की जो बीमारियां होती है उससे भी निजात मिलता है। जैसे हमारा व्यायाम, योग हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, तो इसलिए बच्चों को खेल की भावना रख करके खेलना चाहिए और इसे आगे बढ़ना चाहिए। अब जिला स्तरीय से राज्य स्तर पर ये खेलने जा रहे हैं, अब तक का सफर आप लोगों का कैसा रहा? बहुत बढ़िया। हम लोग उम्मीद भी नहीं किए थे कि हमारी बच्चियाँ जो है वो राज्य स्तर पर खेलेंगी। पहला हमारा टारगेट था कि प्रखंड लेवल पर इनका चयन हो जाए, प्रखंड में इन लोग अपना नाम जो है रोशन किए। उसके बाद जब जिला स्तर पर आए तो जिला में भी अपना परचम लहराई। अब हम उम्मीद करते हैं कि राज्य में भी हजारीबाग का प्रतिनिधित्व इन लोग करने जा रही है, हजारीबाग का भी नाम जो है सो राज्य में ऊंचा करे, ताकि फिर राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का गौरव जो है सो बढ़े। क्या लगता है, राज्य स्तर पर जीत कर आएंगे? उम्मीद तो पूरा है कि हमारी बच्ची जो है पूरा 100% देगी और हजारीबाग जिले का नाम रोशन करेगी, राज्य में भी अपना जीत जो है सो ये निश्चित करेगा, ऐसा उम्मीद है। अब प्रयास इनका है, मेहनत तो बच्चियां पूरा कर रही है। कैसा चल रहा है तुम लोगों का मेहनत? बहुत अच्छा। कितने टाइम प्रैक्टिस करती हो? तीन घंटा। पहले नाम बता दो। ऐश्वर्या प्रभा। कौन सी क्लास में हो? क्लास 8। अच्छा, खो खो के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन हम लोग को दे दो। हम लोग तो भाई खो खो के इतने अच्छे प्लेयर्स नहीं है, तो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन हम लोग के साथ बांट लो। हाँ, तो दो टीम में ये गेम होता है। एक टीम में 12 प्लेयर रहते हैं, जो 3 डिजर्विंग प्लेयर रहते हैं, 9 खेलते हैं, तो 9 में एक चेजर रहता है और 3 रनर अप रहता है, और 9 रहते हैं दोनों टीम में, तो टाइम टू टाइम आते हैं, जो जैसे 9 मिनट का गेम होता है। नाम बताओ। परी कुमारी। कैसे चल रहा है तुम्हारा त्यौहार? अच्छा चल रहा है। क्या लगता है, जीत कराओगी? हाँ, कोशिश तो पूरा रहेगा। बाकी सारी छात्राएं आप लोग बताइए, जीतने का इरादा है? हाँ, जीत कराने वाली हो? हाँ। चलो, उम्मीद रखते हैं कि हजारीबाग का नाम तुम लोग रोशन करो। पीछे लड़के भी हैं, बॉयज रेडी हो आज के मैच के लिए? आगे आके बोलो भाई। तो कैसे चल रहा है तुम लोग का तैयारी? थोड़ा और आगे आ जाओ। क्या नाम हो तुम्हारा? सौरभ कुमार। सौरभ, तुम भी खो खो के लिए जा रहे हो, खो खो के मैच के बारे में कुछ बताओ। खो खो में 9 प्लेयर होते हैं और उसमें हजारीबाग जाने में 9 प्लेयर गए थे हम लोग और 3 एक्स्ट्रा गए थे और जीत चुके हैं वहाँ पे भी, और राज्य स्तर पर भी जा रहे हैं, वहाँ भी कोशिश करेंगे जीतने के लिए। इतने ही। चलो, हम भी ये विश करते हैं कि ये लोग जीते और हजारीबाग का नाम रोशन करें, और ये बहुत अच्छी बात है कि खो खो में और ऐसे और भी अन्य एक्टिविटीज़ और गेम्स वगैरह में हजारीबाग अब आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जिला स्तरीय से राज्य स्तर पर जा रहे हैं, आगे भी जाए, ऐसी ही हमारी कामनाएं हैं। इसके साथ जुड़े रहें N4 न्यूज़ भारत के साथ।